नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। 11 अगस्त को भारतीय उद्योग परिसंघ की होगी सालाना बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इशारों में दिया चीन को संदेश, समुद्री विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो। कपिल सिब्बल के घर डिनर करने पहुंचे कई विपक्षी दल के नेता, बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता का किया आह्वान। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को थोड़ा थमेगा ओबीसी विधेयक, 15 विपक्षी दल बिल पास कराने को राजी। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को दी राहत, प्रत्यार्पण के खिलाफ कर सकेंगे अपील। सत्रह से 14 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा सत्र, योगी सरकार 20 अगस्त को पेश करेगी अनुपूरक बजट। यूपी में कुख्यात अपराधियों के साथ भूमाफियाओं के खिलाफ भी अभियान, मुक्त कराई गई 62,423 हेक्टेयर जमीन। चुनावी साल में 10,000 से ज्यादा बेघर परिवारों को राहत देने जा रही योगी सरकार, मकान के लिए मिलेगी जमीन। औरंगजेब के पोस्टर को लेकर चित्रकूट के मंदिर में मचा बवाल, पुजारी और महंत समेत 3 के खिलाफ हुई FIR। उत्तर प्रदेश में उफान पर गंगा और यमुना खतरे का निशान पार, राहत शिविरों में पहुंचे हजारों परिवार। चरमपंथियों ने माली के गांव में किए हमले, कम से कम 40 लोगों की मौत। चीन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पसारे पांव, तो 30 से ज्यादा अधिकारियों को मिली लापरवाही की सजा। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीनेट हो चुके श्रद्धालुओं को उमरा जाने की इजाजत। पाकिस्तान में 8 साल के हिंदू बच्चे पर लगाया ईश निंदा का कानून, मौत की सजा का खतरा। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल, अस्पतालों में भर्ती हुए रिकॉर्ड बच्चे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के से पुजारा की हो सकती है छुट्टी, हनुमा विहारी टीम इंडिया चेतेश्वर पुजारा की जगह हनुमा विहारी को नंबर 3 पर दे सकती है मौका। टोक्यो से लौटी ओलंपिक टीम का जोरदार स्वागत, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़। ओपनिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर केरल राहुल ने लगाया विराम, टीम इंडिया को बड़ी राहत। शेफाली वर्मा का धमाकेदार प्रदर्शन, इंग्लैंड में जारी द 100 लीग में 22 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक, ओपनिंग साझेदारी का भी बनाया रिकॉर्ड। टी20 मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले शॉन टेंट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाज बने कोच। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू इस साल नहीं होगी रिलीज, शांतनु बागची का कर रहे हैं निर्देशन, फिल्म में शारे भाषमी और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में आएंगे नजर। टीवी शोज और फिल्मों के बाद अब साई बाबा पर आ रही है वेब सीरीज सबका साई, एमएक्स प्लेयर ने जारी किया टीजर। अपनी बायोपिक में अक्षय कुमार या रणदीप हुड्डा में से किसी एक को देखना चाहते हैं नीरज चोपड़ा, गोल्ड जीतने से पहले ही जताई थी इच्छा। ठगी के मामले में शिल्पा और उनकी मां से यूपी पुलिस पूछताछ कर सकती है, लखनऊ से मुंबई पहुंच रही है टीम।
जावेद अख्तर ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने का किया आग्रह। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।